इंडिया वर्सेस आयरलैंड जिसको हम प्रीव्यू करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी हुई है और कल लग रहा था कि एक अच्छा मैच है, स्कॉटलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट इट्स बीन अ बिट ऑफ अ स्टॉप स्टार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर गेम दैट वी सॉ यस्टरडे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रेन इंटरप्टेड द मैच, मैच पूरा नहीं हो सका, लेकिन स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस जो थी वो डेफिनेटली प्रेजवर्दी थी बिकॉज जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की उनके ओपनर्स ने। सो डेफिनेटली वन थिंग वी कैन से इज कि अभी तक जो हमने मैचेस देखे हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड हो गया चाहे नामीबिया हो गया, इन टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये ग्रुप्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं, क्योंकि वही वाली बात कल इतनी हमारी डिस्कशन हुई थी इस चीज पे कि कोई भी आप किसी भी मैच को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो द वर्ल्ड कप इज स्टार्टिंग टू गेट एक्साइटिंग, आई एम श्योर अभी और जो मैचेस जैसे जैसे होते जाएंगे एंड होपफुली देयर इज नो रेन, जिसकी बात हम देखेंगे कि ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टी20 वर्ल्ड कप में बढ़ता जाएगा। अब कॉम्पिटिशन हमारे जो स्टूडियो है, जो फ्लिक फैमिली है, उसमें भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर दिन मैं देख रही हूँ कि बालों के हेयर स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं और खाने की कंसिस्टेंसी जरूर है, मैं ये जरूर कहूंगी। तो मैं आई थिंक आई विदाउट फर्दर वेटिंग लेट्स इंट्रोड्यूस आवर पैनल, द लवली पैनल, हमारे कोच साहब मिस पाउल हक, फॉरएवर खिलाड़ी शुएब मलिक एंड नन अदर देन द ओरेकल ऑफ क्रिकेट बाजिद खान। शुएब, एक हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक चीज पिक की है, वो कह रहे हैं कि शुएब से जरा पूछे कि हर दिन उन्होंने एक चीज नोट किया कि आपका बालों का हेयर स्टाइल डिफरेंट है, तो इसका क्या राज है? ये एक स्पेसिफिक चीज जो है they've picked up and they've asked me to ask you कि what is going on with this hairstyle? शुक्र है बाल हैं सर पे। ये ट्रांसप्लांट के बना गए या फिर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने हैं। और ये कि आपको मैंने कहा कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ और मैं लाइफ जीता हूँ अपने लिए, इसीलिए जो ट्रेंड चल रहा हो या लोग जिस तरफ जा रहे हो, ये फैशन है ये स्टाइल है, मैं वो नहीं फॉलो करता, मैं वो करता हूँ जो मुझे चीज सेटिस्फाई करती है और इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जरा। हमने कहा हम आपको दिखा भी दें, आप खुद ही देखें, हमने स्पेसिफिकली नोट किया है, किसी दिन डायरेक्शन सीधा है, टाइमिंग भी लिखी होनी चाहिए ना, 12 बजे के बाद है कि पहले है कि मैं तो मैं भी ट्रेंड नहीं देखता ना, वो मेरा वो देखे स्टाइल वो बनना चाहिए जो आप करें, स्टाइल वो नहीं जो चल रहा हो, वो जो बेसिकली कह रहे हैं कि ट्रेंड नहीं होना चाहिए ना, ट्रेंड को फॉलो ना करें, अपना अपना जो होता है हर एक का स्टाइल होता है, आपका भी अपना स्टाइल है खाने में। बाजिद का तो एक ही स्टाइल है, क्या स्टाइल? फारक जो है यही है, वो जो है यही है, बस इसी तरह आते हैं और कोई परवाह नहीं, ज्यादा ज्यादा परवाह किस चीज की है? ज्यादा परवाह सेहत की, सेहत की है। वाकई आज से उन्होंने क्या कहते हैं, हर दिन जिम करते हैं सब जो है, अपना टाइम जिम में स्पेंड करते हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि कल इतना जब जिम हो रहा होता है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉम्पनसेट बाय ईटिंग एज वेल, यू नो यू कैन अफोर्ड टू हैव दोस कैलोरीज, एंड कल मैं ये बता दूं कि कल जिस किस्म की कैलोरी जी वीडियो बनाना बन रही है, यही तो आपको बता रहे हैं, आप दोनों इतने मगन होते हो खाने में। अच्छा एक एक चीज नोट करना, जब ये खाना खा रहे होते हैं ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना साइलेंस में, सन्नाटा, आप सबसे पहले हर चीज करते ही पेट के लिए, पहले रोटी मिलेगी तो सबसे पहला जो मिशन है वो दो वक्त की रोटी मिले, उसके बाद ये बाकी बात है। आप लोग माशाल्लाह दो वक्त की नहीं, आप मेरा अरे 20 वक्त की एक टाइम पे खाते हैं, माशाल्लाह खाते दो वक्त की माशाल्लाह, नहीं मैंने शो लेट हो जाता है। अच्छा जी ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन कल हम बताते हैं एक मैच हमने मिस किया था विच वॉज नेपाल वर्सेज नेदरलैंड्स, उसमें एक लेट्स हैव अ क्विक लुक टू सी कि हुआ क्या था इस मैच में। सो अगर आप देखें मैच सामने के हिसाब से, नेपाल मेड 106 इन देयर 19.2 ओवर्स, जिसमें के उनके टॉप स्कोरर थे रोहित पौरल, ही मेड 35 और पूरा जो इनका टोटल था 106 था, एंड आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए दैट वॉज I mean, they were definitely Nepal was short of runs because Netherlands ने किया 109 और उनकी तरफ से जो टॉप स्कोरर थे मैक्स अराउ, we've seen him before as well. Netherlands की टीम remember इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था, बैस डिलीरा वॉज ऑल्सो somebody who was instrumental in that game. अगर आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, नेदरलैंड्स एक्चुअली बीट साउथ अफ्रीका, सो दैट वाज एन अपसेट जिसकी वजह से पाकिस्तान को एंट्री मिली थी उस वाले वर्ल्ड कप में। आज का मैच है उसमें भी याद है, कल की बात जो है खत्म हो गई है, आज का मैच बड़ा
एक और इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि इंडिया अपनी कैंपेन आज स्टार्ट करता है एंड दे आर अप अगेंस्ट आयरलैंड. दे आर प्लेइंग दिस मैच इन न्यूयॉर्क. हमने बड़ी डिस्कशन की है कंडीशंस के ऊपर भी कि किस किस्म की कंडीशंस होंगी, न्यूयॉर्क में किस किस्म का ऑकवर्ड बाउंस भी है. इंडिया वर्सेस आयरलैंड लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क. दिस इज मैच नंबर 8 ऑफ ग्रुप ए. अच्छा वही बात आ जाती है जब हम इन मैचेस को देखते हैं तो सबसे पहली चीज एवरीबडी स्टडिंग द वेन्यूज कि ये मैच कहाँ पे खेला जा रहा है. एंड मिसबा उस दिन जब ये मैच हुआ तो ग्राम स्मिथ ने एक्चुअली अपनी पिच रिपोर्ट में आके कहा कि अगर आप टॉस जीते तो काइंडली बैटिंग करें, और श्रीलंका ने वही किया बट देन दे वर नॉट एबल टू स्कोर दोज काइंड ऑफ रन. सो आई डोंट नो, आई मीन इज देयर अ करेक्ट डिसीशन इन दीज कंडीशंस. लेट्स जस्ट से कि अगर उसी किस्म की कंडीशंस रहती हैं, बिकॉज देयर हैज बीन सो मच चैटर अबाउट द फैक्ट कि जी अभी वो पिच सेटल नहीं हुई, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर द पिच टू सेटल इन, तो देन व्हाट डज अ टीम रियली डू? देखिए मुझे लगता है कि जब आप श्योर नहीं होते पिच के हवाले से कि क्या यहाँ पे बेस्ट स्कोर होगा, टीम कम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पे किस तरीके से पिच खेलेगी, तो नॉर्मली टीम्स और वैसे भी T20 क्रिकेट में एक एडवांटेज होता है आपको, अगर पिच अच्छी भी हो तो पहले नॉर्मली टीमें क्या करती हैं, बॉलिंग करती हैं. उसमें ये होता है कि सेट टारगेट सेट करने वाली टीम कई दफ़ा 200 या 200 से ऊपर सोचते हुए बीच में आके अगर विकेट्स लूज करती है तो वो इतना टारगेट नहीं कर पाते. जब दूसरी टीम आती है तो उनको पता होता है कि कितना टारगेट है. अगर वो बड़ा टारगेट है तो वो उस तरीके से खेलते हैं, अगर छोटा टारगेट है फिर भी उनको एडवांटेज है कि हाँ जी ये स्कोर है तो हमने इसको चेज करना. तो इसलिए जो मेथड अगर आप लीग्स में भी देखें, ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें, टीम्स प्रेफर करती हैं T20 क्रिकेट में टू बॉल फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, और स्पेशली कंडीशंस पर अगर ऐसी हैं कि जहाँ आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्कोर, हमने करना क्या, टॉस जीत के अगर हमने बैटिंग करनी है तो फिर तो बिल्कुल ही आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना. तो श्रीलंका को मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो उनका डिसीजन है वो भारी पड़ा. बाद में वो कह रहे हैं कि जी पिच ऐसी है वो, बट आई थिंक कि विनिंग द टॉस उनके पास एक अच्छी ऑप्शन थी उस टाइम पे, अगर बॉलिंग कर लेते तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता मैच में. अच्छा इंडिया की टीम सपोजली नंबर 1 इन द वर्ल्ड, यू नो ऑल आईज ऑन देम, हमेशा ही एक तगड़ी टीम के साथ आते हैं किसी भी वर्ल्ड कप में. जब भी सेमीफाइनल्स का मेंशन होता है आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लें, इंडिया की टीम हमेशा वहां पे मौजूद होती है. एंड दिस टाइम इट्स नो डिफरेंट, यू नो द काइंड ऑफ फॉर्म दैट दे सम ऑफ द प्लेयर्स आर कमिंग प्लेइंग फ्रॉम आईपीएल एंड जिस किस्म का वो आ रहे हैं, सो अ फोर्स टू रेकन विद. शुएब ऑफ कोर्स इंडिया टीम ऐसी है कि अगर उनके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा होता है कि कोई वो ना गैप छोड़ते नहीं है. ऑलराउंडर हो, स्पिनर्स हो, बैटर्स हो, पेस बॉलर्स हों, रीसेंट पास्ट में उनका ये एक थोड़ा सा जो था वरी एरिया था कि जहाँ पे पेस बॉलर्स जो थे, और लेकिन जब से बुमराह हैं, सिराज हैं, फिर अर्शदीप हैं, तो उनका बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा हो गया हुआ है, तो उनके जो सारे बेसिस हैं वो कवर्ड हैं. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडियन टीम में वो ये है कि उनको कैसी भी कंडीशंस हो वो अपने प्लेयर को तब लेके आते हैं टीम में कि जब वो पूरा पक जाता है, ताकि उसके सामने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी कोई आप आईसीसी रिलेटेड इवेंट खेलेंगे तो वो एक वेन्यू पे नहीं होते, वो डिफरेंट वेन्यूज पे होते हैं. तो जब आपने डिफरेंट वेन्यूज की बात करते हैं तो सेम कंट्री में भी पिच जो है वो डिफरेंट खेलती है, तो ये बड़ी अच्छी उनकी एक चीज़ है कि वो अपने प्लेयर को इंटरनेशनल टीम में तब लेके आते हैं कि जब वो पूरा पक जाता है. तो इसीलिए आप देखें कोई एक्सपर्ट हो या आप किसी से भी पूछें तो लास्ट फोर में इंडिया का नाम जरूर आता है, और उसकी यही वजह है. ठीक है, फेवरेट्स, वन ऑफ द फेवरेट्स वुड यू से बाजी इंडिया? देखिए पिछले अब ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा हो गए सिंस दे वन एन आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफी, उस लिहाज से अगर आप देखें तो हर टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट फेवरेट्स ही जाते हैं, बट दे डोंट एंड अप विनिंग, विच इज कंसर्न ये है कि अब जैसे शुएब ने कहा, जैसे कोई भी टूर्नामेंट होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि जी इंडिया की टीम बहुत ही तगड़ी है, बहुत एवरी बेस कवर्ड, बट वो आखिरी हर्डल पार नहीं कर रहे. तो वो मेरे ख्याल वो भी अब उनके दिमाग में वो भी चलना शुरू हो गया है. ये 2013 में जब धोनी ने आखिरी दफा, मेरे ख्याल 2013 था जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद से ये टूर्नामेंट नहीं जीते.
तो ये कह देना कि वो शायद उनके दिमाग में नहीं, वो दिमाग पे जरूर है, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स इन क्रिकेट और 10 साल हो गए, बहुत अरसा होता है 10 साल इससे, मतलब हमने 2017 में जीता आईसीसी टूर्नामेंट, 10 साल हो गए, तो ये एक प्रेशर उन पे जरूर है। आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन परहैप्स डिस्कस इन डिटेल एज वेल, के व्हाई इज इट दैट इतना करीब पहुंच के विद एवरीथिंग गोइंग फॉर देम दे आर अनएबल टू गेट ओवर द फाइनल लाइन एंड सॉर्ट ऑफ लिफ्ट दैट ट्रॉफी। दे केम सो क्लोज लास्ट ईयर इन होम कंडीशंस, वो भी नहीं हो सका, उससे पहले भी बहुत से ओकेजंस आए हैं जहां वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं and actually undefeated पहुंचे। There have been so many tournaments where they've actually reached semi-finals undefeated। उसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर जो आईसीसी रिलेटेड इवेंट्स हैं, जो बाजिद ने कहा कि लास्ट 10 ईयर से वो नहीं जीते हैं, अगर आप देखें जो वो कॉम्बिनेशन खिलाते हैं वो चेंज नहीं करते, फिर उसमें जो फर्स्ट मैच से खेल रहा हो तो वही सेम कॉम्बिनेशन जो है वो चलते जाता है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का नाम लेना बहुत जरूरी है, वो इसलिए है कि लास्ट आईसीसी इवेंट वो जीते हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो अगर आप उनकी फॉर्मेशन देखें तो उनके कॉम्बिनेशन में वो कंडीशंस को देखते हुए एक दो चेंज वो 11 में करते रहे हैं, तो मुझे ये एक वजह हो सकती है कि जब आप एक कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा जो है एक आधी चेंज करते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि जी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वी हैड दैट अ लॉट एक्चुअली व्हेन यू नो यू आर लुकिंग एट प्लेइंग इन कंडीशंस व्हिच आर नॉट इजी। बाजिद, आई मीन वो जिस तरह शुएब ने बात की कि प्लेइंग इट लेट अंडर योर आईज, यू नो जब भी स्विंग की बात होती है तब भी यही सजेस्ट किया जाता है कि जितना लेट खेलोगे उतना ही बेहतर है, तो यही फिर मतलब डू यू एग्री कि एक तरीका एटलीस्ट इज वन वे टू नेगोशिएट द ऑकवर्ड बाउंस दैट विल बी इन न्यूयॉर्क। कहने को तो ये आसान चीज है लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है। जो आप इम्पैक्ट पॉइंट्स देखते हैं, बाबर का इम्पैक्ट पॉइंट इतना अच्छा है हमेशा उसका इम्पैक्ट ही बिल्कुल उसकी आंखों के नीचे होता है, तो उसका जो फुटवर्क है उसका कोई कंसर्न नहीं है, चाहे वो फॉरवर्ड जाए बैकफुट जाए वो कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट ही परफेक्ट है। ये केन विलियम्स सब का भी ये चक्कर है जो शुएब ने बात की कि लेट खेलता है, उसका इम्पैक्ट पॉइंट बहुत अच्छा है। कभी विराट का कभी होता है कि वो बॉल के ऊपर जाता है, वो आगे जाता है, बट इस वर्ल्ड कप में अभी तक जो थीम हमें नजर आ रही है कि फ्लैम्बॉयंस उस तरह नहीं चल रही, डिसिप्लिन चाहिए इवन एज अ बॉलर, बिकॉज पिच जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ, अगर आप बॉलिंग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं तो फायदा है, बैटिंग में भी अगर आप डिसिप्लिन बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक हमने जो जितना वर्ल्ड कप देखा है तो डिसिप्लिन बैटिंग कर रहे हैं तो वो टीम आगे निकल रही है। तो मुश्किल पिच पे तो फिर आप उन्हीं प्लेयर्स को देखते हैं जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, और खैर ये तो हर पिच पे ही खेलते हैं, बट ऐसी जब सिचुएशन आती है जब बॉल उस तरह बल्ले पे नहीं आ रहा होता, देन यू फॉल बैक ऑन दीज प्लेयर्स जो वर्ल्ड क्लास हैं और जो ऑल फॉर्मेट में सक्सेसफुल रहते हैं। बेसिक्स की बात है मेरे ख्याल में, सिंपल सी आपको नजर आएगा जो प्लेयर अडॉप्ट कर सकता है हर कंडीशन को, क्योंकि जाहिर है वो अच्छे टेस्ट प्लेयर भी हैं, वनडे क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, हर किस्म की पिच पे उनकी बेसिक्स जो हम टेक्निक की बात करते हैं वो ऐसी है, जो सिर्फ T20 के प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगा पिच पे कि हिट थ्रू द लाइन है, ट्रू बाउंस है, ठीक है जी, फिर तो वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन कर लेगा, लेकिन जब उसको गेम को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, जो कि एक टेस्ट प्लेयर कर सकता है, जो कि एक लंबे फॉर्मेट का 50 ओवर्स का बैट्समैन कर सकता है, क्योंकि वो सारे उन फेजेस से गुजरा होता है अपनी गेम को हर लिहाज से, स्पिन पिच आ गए तो उस तरीके से खेलेगा, स्विमिंग पिच है तो उस तरह, अगर बाउंस है तो वो कुछ शॉटेज अपनी एडजस्ट करेगा, स्कोरिंग एरियाज डिफरेंट करेगा, क्योंकि उसके पास सारी गेम है मौजूद है, जिसके पास है ही एक कि फिट थ्रू द लाइन पिकअप शॉट्स मारने, अगर एक्स्ट्रा इनकंसिस्टेंट बाउंस शुरू हो गया है, थोड़ा सा बॉल ऑफ द सीम हिलना शुरू हो गया है, तो उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं है। इसलिए ये जो प्लेयर है जो टेस्ट में अच्छे रन्स करने वाले हैं, ये इनका ज्यादा चांस है कि ये हर कंडीशन में रन्स कर सकते हैं। ठीक है जी, एक दफा एक नजर डालते हैं इंडिया के स्क्वाड में टू सी के उनके पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इन कंडीशंस में विल बी सक्सेसफुल, एंड वही बात हुई कि विराट इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, बट यू लुक एट द स्क्वाड एंड शुरू से लेके एंड तक हर किस्म की इनके पास वैरायटी है, ओपनर्स हैं, देन दे हैव की प्लेयर्स जो जिन्होंने एक दो साल में अच्छा किया, जयसवाल, ही इज डन वेरी वेल फॉर देम, सूर्या कुमार यादव इज नोन एज अ T20 स्पेशलिस्ट,
जडेजा, अक्षर पटेल, यू नो अर्शदीप सिंह आए थे, हमने देखा भी है उनको, ही ब्रिंग्स दैट एक्स्ट्रा पेस। इसमें इसमें जो थोड़ी सी चेंज आपको नजर आ रही है, जैसे ऋषभ पंत है वो कमबैक कर, थोड़ा सा अगर इंडिया के पीछे आप जितने भी टूर्नामेंट्स में ये बाहर हुए हैं आप देखें तो ये जब नॉकआउट स्टेजेस पे गए हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड क्रिकेट खेलने की इन्होंने कोशिश की है और उसमें ये निकल नहीं पाए उससे। तो इस किस्म का प्लेयर भी बड़ा ज़रूरी है, जैसे ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर ले के आते हैं कि वो जब ऐसा मैच होता है तो उनके पास एक दो तीन प्लेयर ऐसे लाजमी होते हैं छः या सात में से कि जो अपनी गेम खेलते हैं और वो फिर उस प्रेशर सिचुएशन में ऐसा पंच मारते हैं दूसरी टीम को कि वहाँ से फिर वो बड़े मैच का प्रेशर फिर संभाला ही नहीं जाता दूसरी टीम से। तो ये फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग था इंडिया के पास, मुझे लगता है कि ये इस किस्म के दो प्लेयर जो अभी हैं ये ज़रूरी है इनके लिए कि प्रेशर गेम्स में ये अटैकिंग क्रिकेट इनको उस तरह की खेलनी पड़ेगी दूसरी टीम, कंट्रोल में कई दफा फिर दूसरी टीम को आप चांस दे देते हैं और वो फिर आपको। अच्छा, बड़ी डिबेट एक और भी हुई थी यू नो इंडिया इंडियन मीडिया में भी एंड जनरली भी कि शुड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बी पार्ट ऑफ दिस T20 स्क्वाड, यू नो देयर वाज दैट टॉक कि जी अब यूथ को आगे दोबारा से चांस मिले, सो इट माइट बी द केस दैट दिस कुड बी पोटेंशियली देयर लास्ट T20 वर्ल्ड कप। देखिए बिल्कुल, देवर सम टॉक्स एंड देवर इवन दे ट्राइड डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद हार्दिक पांड्या बीइंग अ कैप्टन, सो देव डन दैट। बट मेरे ख्याल में आपको एक्सपीरियंस जो है बड़े इवेंट्स में चाहिए होता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि द डे रोहित शर्मा बैट्स रिगार्डलेस ऑफ हिम फेसिंग एनी अटैक वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और विराट कोहली की जहाँ बात आती है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके नंबर्स पे बात करते हैं लेकिन मैं उनके नंबर्स पे नहीं बात करता, मैं उस चीज़ पे बात करता हूँ कि वो बंदा जो है वो जब क्रीज पे होता है जो मर्जी टोटल चेस कर रहे हो या फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, यू आर ऑलवेज इन द गेम और वो जितने मैचेस जितवाता है, सो हैविंग बोथ ऑफ देम इन योर साइड स्पेशली उस जगह पे आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जहाँ पे कंडीशंस टफ हैं, तो जहाँ पे ऐसे बैटर्स जो हैं और ऐसा एक्सपीरियंस जो है जिन्होंने ओवर द इयर्स जो है बहुत सारी सक्सेस दिलाई है टीम को, उनका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनका होना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया ने जो अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था वो 2007 में था, अगर आपको याद होगा दैट आइकॉनिक मोमेंट व्हिच इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय लेज, और याद करें कि इंडिया जीता था वो फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा जी, दिस वॉज वन ऑफ द मैचेस दैट वॉज इंडिया का एक आइकॉनिक मोमेंट इसलिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका इस मैच के बाद बाहर हो गया था, सो इंडिया मैनेज टू ऑब्वियसली बीट देम एंड प्रोग्रेस फर्दर इन द टूर्नामेंट। बट मिसबा, नॉट वेरी हैप्पी मेमोरीज फॉर यू ऑब्वियसली और पाकिस्तान टीम, बट फुल क्रेडिट टू इंडिया जिस तरह से वो खेले। नहीं, मेरी तो बड़ी हैप्पी मेमोरीज बाकियों की नहीं है आपकी किस... मैं तो फाइनल में भी परफॉर्म किया था ठीक है, हम नहीं जीते। मैं पहले से कह दिया माजरत, आई नो आपकी हैप्पी मेमोरीज है, बहुत लोग आपको मेरा ख्याल पूछते होंगे या तंग करते होंगे, इसलिए मैंने पहले से ही माजरत कर ली है कि मुझे ये चीज लानी पड़ रही है। चले छोड़े, इंडिया आई थिंक जो अभी हम देख रहे हैं इंडिया उस टूर्नामेंट में कोई एक्सपेक्टेशंस का जो लोड नहीं था उन पे, कोई वो जिसको हम कहते हैं ना कि खाम खा पे एक्स्ट्रा बैगेज जो होता है वो नहीं था। कैप्टन चेंज किया, यंग कैप्टन बनाया, वो आए वहाँ पे, ठीक है नया फॉर्मेट है जाके एंजॉय करो सॉरी अपनी गेम खेलो और उसी में वो फ्री हो के खेले हैं तो देखें रिजल्ट क्या है। अभी रिसेंटली जो जब वो आप जब टीम जाती है और सोचते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी टीम तो है ही इतनी अच्छी कि हमने जीतना है, तो उसमें जब आप जाते हैं नॉकआउट स्टेजेस पे और इम्पोर्टेंट मैचेस में तो बाकी जो सामने वाली टीम से आप पे प्रेशर डबल या उससे भी ज़्यादा है और उस वजह से वो आप कहीं ना कहीं उन मैचेस में जो है वो सक्सेस नहीं मिल रही आपको। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू MS धोनी भी और फिर जो टीम थी उनके पास, युवराज सिंह जिस तरीके से उसमें खेले, गौतम गंभीर खेले, फिर हरभजन की बॉलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, RP सिंह, इरफान पठान का बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट था और ओवरऑल एज अ टीम, यंग टीम, रॉबर्ट उथापा की कुछ इनिंग्स थी, दे प्लेड रियली वेल इन दैट।
टूर्नामेंट और बड़े क्रूशियल मैचेस उन्होंने जीते और बड़ी मुश्किल स्टेजेस से मैचेस जीते और उन्होंने फाइनल में जिस तरीके से वो पहुंचे एंड देन दे जस्ट मैनेज टू विन द वर्ल्ड कप एज ए टीम. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खेले, क्रंच मोमेंट्स पे उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी. बिल्कुल, ये इस पे हम और मजीद बात करेंगे बिकॉज इंडिया की परफॉर्मेंस की बात हो रही है. इंडिया इज प्लेइंग आयरलैंड एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट आयरलैंड बाय द वे. अगेन अ टीम दैट यू कैन नॉट टेक लाइटली एट ऑल. ये वही टीम है जिसने इंडिया को भी एक वर्ल्ड कप में हराया हुआ है, पाकिस्तान को तो अभी एक सीरीज में ये पहला मैच हराया था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी. एंड जनरली दे कीप ऑन बीटिंग ऑल दीज फुल स्ट्रेंथ टीम्स सो देर नॉट टू बी टेकन लाइटली एज वेल. सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देयर इज लॉट मोर ऑन द अदर साइड सो डोंट गो एनीवेयर. ऑब्वियसली बीइंग इंडिया, लेकिन यू कैन नेवर रियली कंसिडर दैट आयरलैंड इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द गेम एज वेल. ऋषभ पंत का जो रिटर्न है शुएब, अगेन उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ही वॉज आउट ऑफ द गेम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट ही इज कम बैक सो वेल. अभी इन्होंने जो IPL हुआ है उसमें तकरीबन उनके 500 रन थे. सो ही इज अगेन गोइंग टू बी अ क्रूशियल फैक्टर इन दिस इंडियन लाइनअप. I think it's great to see where he came from. I think credit dena chahiye unko. I was watching some of his videos while he was recovering from the accident. Aur phir uske baad jo training sessions the, I think all credit to him. Jis jagah se wo aaye aur how he played last IPL. So it shows ke bahut zyada hunger hai unme. और वो एज मिस्बा भाई ऑल्सो सेड के एक्स फैक्टर हैं वो, कि जहाँ पे क्रंच सिचुएशन में जो है मैच हो और वहाँ पे ऐसा आपको जो अटैकिंग खेलने वाला बंदा है वो आपकी साइड में हो तो वो मैच को उस जगह से निकाल देता है. जैसे ट्रेविस हेड प्लेड इन द फाइनल्स. तो आपको ऐसा एक्स फैक्टर बैटर चाहिए स्पेशली जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पे हो और वो आए और अपनी गेम खेले. सो आई गेस हैविंग हिम इन द साइड फॉर इंडिया इट्स ग्रेट ब्लेसिंग्स. ठीक है, हम बात कर रहे थे कि इंडिया की ओवरऑल स्क्वाड भी बड़ा अच्छा होता है, परफॉर्मेंसेज ग्रुप स्टेजेस में भी अच्छी होती है, बट जब वो नॉकआउट गेम आती है फॉर सम रीजन दे आर अनएबल टू परफॉर्म द वे यूड एक्सपेक्ट देम टू, व्हिच इज व्हाई दे डोंट हैव दैट T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी विद देम सो फार. इस पे बात करते हैं, टाइम हो गया टपाल का. टपाल तुम मैं एक कप एक और कप चाहे. बात हो रही थी इंडिया की एंड व्हाई दे हैवन बीन एबल टू परफॉर्म वेल इन नॉकआउट गेम्स इन द ICC टूर्नामेंट जो अभी तक हमने देखे. बाजत यहाँ पे बात हो रही थी, मिसबा का भी आपने ओपिनियन सुना होगा. ही वॉज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू conditions इन दीज नॉकआउट गेम्स. What's योर थियरी बिहाइंड दिस कि जी इनका अभी तक वर्ल्ड कप में why haven't they been unable to lift a trophy? एक तो ऐसे लगता है कि जब जो उनकी सबसे बुरी सारे टूर्नामेंट में जो सबसे बुरा मैच होता है वो नॉकआउट में ही आता है, उससे पहले इनके मैच बिल्कुल स्मूथली चलते हैं. प्लस मिसबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि दे प्ले डिफरेंटली. जब नॉकआउट गेम आता है पाकिस्तान का ये होता है कि मोस्टली जब बड़ा मैच आता है तो इनकी परफॉर्मेंसेज इन्हांस होती हैं और ओवर द इयर्स अगर आप हिस्ट्री देखें तो उस सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करते हैं. इंडिया दे प्ले डिफरेंटली टू व्हाट दे प्लेड थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द टूर्नामेंट और सडनली वो जो नॉकआउट में खेलते हैं उसमें आपको लगता ही नहीं है कि ये वही इंडिया टीम है जो ऑलमोस्ट अनबीटन आई है. उसमें दो चार वजूहत हो सकती हैं. एक यस के उस तरह से अटैक नहीं करते, प्लस फिर वो देखते हैं कि जी हमारे जो बड़े प्लेयर हैं जैसे फॉर इंस्टेंस रोहित है या विराट है जब वो आउट हो जाते हैं तो बिल्कुल ही मतलब इनटू देयर शेल चले जाते हैं. तो शायद ये वो किलर इंस्टिंक्ट लैक हो रही है इन नॉकआउट गेम्स. ठीक है, इसीलिए शायद KL राहुल को जो है उन्होंने मेरा ख्याल थोड़ा सा नहीं रखा इस उसमें के जब वहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जैसे ही रोहित विराट या जो दो तीन आउट होते थे सो दे वर डिपेंडिंग अ लॉट ऑन KL राहुल के वो उस चीज़ को जो है ना, और उन्होंने किया भी और हम लोगों ने देखा भी उस चीज़ को, लेकिन अब उन्होंने जो है अटैकिंग अप्रोच जो है अटैकिंग चीज़ ले आए हैं उस जगह पे कि अगर ये आउट भी हो गए तो हमारे पास ऐसे हों. एक तो एक्सपीरियंस कम है
और क्योंकि जब आपके जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं और क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है नॉकआउट वाला स्पेशली, तो आप पे एडिशनल प्रेशर भी होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। तो अगर नया बंदा यंगस्टर हो उस जगह पे तो उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता और वो फेयरलेस खेलता है, जिसकी वजह से उन्होंने दो तीन चेंजेस उन नंबर्स पे उन्होंने किए हैं। सो वी आर सेइंग दैट इट्स अबाउट प्रेशर देन, इज दैट व्हाट वी आर सेइंग कि जी वो प्रेशर आ जाता है इन सिचुएशंस में? प्रेशर तो होता है क्योंकि जब आप फेवरेट्स होते हैं तो आप पे ये प्रेशर तो है कि हमने जीतना है, और वो आपको वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच जो बीच में आती है, आप पिछला वर्ल्ड कप देख लें, फाइनल में जब विकेट्स गिरी हैं जो मलिक ने बात की है, एकदम से बिल्कुल वो जो रीअसेस किया उन्होंने टारगेट, उसमें दोबारा अटैक किया ही नहीं, दे जस्ट प्लेयर लाइक सूर्य कुमार यादव भी एंड पे खेल रहे थे तो वो भी ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्होंने टारगेट ही इतना सेट किया है, कोई समझ रहे हैं कि बस 230-40 हो जाएगा तो दैट्स इनफ। भाई दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया है या बाकी टीमें वो ऐसे नहीं करते, वो एक देखते हैं कि अच्छा डिफेंड क्या होगा यहाँ पे, तो वो विकेट्स गिरती भी हैं तो वो पंच मारते रहते हैं दूसरी टीम को। इंडिया को भी ये करना पड़ेगा ऐसे मैचेस में, और इसी वजह से बिल्कुल ये प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे उनके, ऋषभ पंत जैसे, क्योंकि वो उन्होंने दिखाया है उनके पास वो उस किस्म का वो प्रेशर लेते नहीं है। ठीक है जी, दैट वाज तपाल, तुम मैं एक और कप चाय। ऑलराइट, दिस वाज प्रीटी मच इट इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन ऑन व्हाई India is unable to proceed, lekin we are very close towards that toss and pitch report. All of that on the other side, don't go anywhere. अच्छा जी, आयरलैंड की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आयरलैंड की टीम और आयरलैंड का जो जिस किस्म का स्क्वाड है, जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही है, अभी एक पहले T20 में पाकिस्तान को हराया आयरलैंड की टीम ने, और वो पूरी नॉट अ टीम जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके सामने है पूरा स्क्वाड, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ये लोग खेल रहे हैं और ऐसे प्लेयर इनके पास हैं कि जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं मैच में। एक तो इनकी जो बैटिंग डेप्थ है वो काफ़ी है, नीचे तक स्कोर करते हैं। पॉल स्टर्लिंग अभी उस तरीके से फायर नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली अगर वो ऊपर से रन करें तो बहुत डेंजरस टीम हो जाती है। ये बॉलिंग भी डिसेंट बॉलिंग है, इवन इनके जो कप्तान हैं इनके अगेंस्ट वो ऊपर से रन्स किए, फिर मिडल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर हैं इनके पास, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। तो आयरलैंड हमेशा ऐसी टीम है कि जो देखती है मौका, जैसे इनको मिलता है तो ये किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन में टफ टाइम दे सकते हैं, और इन्होंने प्रीवियसली वर्ल्ड कप्स में भी ये साबित किया, और इवन रिसेंटली अगर आप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अप उन पिचेस पे ऐसे लग रहा था कि वो सीरीज जीतने जा रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने बड़ी एक दो अगर उनसे कैचेस ड्रॉप ना होते तो मुझे लगता है सीरीज तो ऑलमोस्ट निकल गई थी हमारे हाथ से। तो आयरलैंड कुड बी अ डेंजरस टीम फॉर एनी टीम। पाकिस्तान से बेहतर आयरलैंड को कौन जाता है, हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहे हैं पाकिस्तान के सफर में, इवन इन दैट सीरीज एक दो वही वाली बात, एक दो कैचेस थे जो कि मिस हो गए, अदरवाइज बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं है कि वो ऑन द गिवन डे दे प्लेड वेल, नहीं, दे हैव प्लेयर्स जो कि 100 से ज्यादा मैचेस जो है उन्होंने इंटरनेशनल खेले हुए हैं, जिसमें एंड्रू बेलबरीन है, जिसमें जॉर्ज डॉक्रेल है, जिसमें पॉल स्टर्लिंग है। अगर आप इनके मैचेस देखें तो 100 से ज्यादा इंटरनेशनल जो है गेम्स है, और उसके साथ साथ अगर हम दूसरों की बात करें तो उसमें मार्क डायर जो है 83 मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मैचेस खेले हुए हैं, तो इनके पास ना एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इनकी साइड में कि जब भी क्रंच सिचुएशन में मैच जाएगा दे हैव पीपल के जो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बल्कि उस सिचुएशन को जीत भी सकते हैं और अगली टीम को मुश्किलात में डाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ी टीम हो। एंड वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट एज वेल, वेरी रिसेंटली अगेंस्ट पाकिस्तान दे हैव डन दैट, एज मिसबा भाई सेड के एक दो कैचेस नहीं ड्रॉप होते सो दे शायद वो सीरीज जीत जाते। तो आई गेस और वैसे भी जिन कंडीशंस में मैच है
उन कंडीशन में आई थिंक इवन जो है वो हो गया है, और इनके पास मोस्टली दे रिलाय ऑन मीडियम पेसर्स, और वो 6 to 8 meters वाली लेंथ जो है वो बहुत हैंडी होगी। आपने कहा ना कंडीशंस, जिस किस्म की कंडीशंस होंगी, तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कंडीशंस का फाइंड आउट करने के लिए, कंडीशंस कैसी है। इट्स टाइम फॉर द पिच रिपोर्ट। ऑलराइट, सो दैट वाज द पिच रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय बैंक अल्फा अब्बास। बोल फर्स्ट, वो भी इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे फील के जी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस हैं, और वो टेनिस बॉल बाउंस की भी बात हो रही है। जो इंटरेस्टिंग चीज है, वहाँ पे चार पिचेज हैं, तो स्क्वायर पे चार पिचेज हैं, तो ये अब वो पिछले मैच वाली पिच नहीं है। ये मैच जो प्रैक्टिस मैच और वार्म अप मैच था वो वाली पिच है। अब कितना बेहतर खेलती है उसे ये तो अब टाइम ही बताएगा, बट क्योंकि अनसर्टन इतना है, हर कोई अनसर्टन है, हम इधर बैठ के अनसर्टन है, वो उधर बैठ के अनसर्टन है, हिस्ट्री कोई नहीं है इस ग्राउंड की, पता नहीं है कि पिच कैसे प्ले आउट करती है, तो वो जाहिर है आप यही चाहोगे कि आपको ये पता हो कि मैंने रन्स कितने बनाने हैं, मेरे पास टारगेट सामने हो, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में फिर आप अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो चलो जी ये 180 वाला पिच है, अगर स्टार्ट नहीं अच्छा मिला तो ये 120 वाला पिच है, तो आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे क्योंकि हिस्ट्री डेटा कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, ओवरकास्ट भी है बाय द वे, दैट्स व्हाट दे वर सेइंग, कि इसलिए बॉलिंग फर्स्ट का एक और रीजन जो उन्होंने कहा है, सजेस्ट ये किया है कि ओवरकास्ट भी है न्यूयॉर्क में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे, ऑब्वियसली टॉस भी है और भी बातें करनी है, सो डोंट गो एनीवेयर। ऑफ द टाइटंस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दैट्स गोइंग टू बी ऑन द 9th of June, और उस दिन हमारी कवरेज जो है थोड़ी जल्दी स्टार्ट होगी, 5:30 वी विल बी ऑन एयर टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस गेम। सो आई एम श्योर एवरीबडी इज सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वन, बट पाकिस्तान के लिए भी जैसे कि हमने कहा ना, बड़ा जरूरी है कि वो थोड़ा सा कंडीशंस का जायजा भी लें, और जिस किस्म की अब नजर आ रही है, आई डोंट नो, अब डू यू थिंक मिसबा, वो एक देखना तो पड़ेगा कि अभी कंडीशंस कैसी जाती हैं, आर दे गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम जो हमने श्रीलंका वाली मैच में देखी थी, और आर दे गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि बंदा जो है रीड अच्छा करे कंडीशंस को, बिकॉज उसी के ऊपर सारी टॉस की डिसीजंस भी होती हैं, टीम की कॉम्बिनेशन भी उसी के ऊपर बनती है, सो यू इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम। जिस तरह आज उन्होंने बात की कि अच्छी लग रही है पिच, बेहतर लग रही है पिछले मैच से, होपफुली अगर आज बेहतर खेलेगी तो मुझे लगता है थोड़ा सेटल डाउन होंगे नर्व्स पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, कि अच्छा ठीक है बेहतर पिच है, लेकिन आज भी अगर वैसे ही हुआ तो फिर और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, दोनों टीमों की बढ़ेगी परेशानी। तो ओवरऑल ये पिच रिपोर्ट या जो भी है, लोग गेस कर रहे हैं सारे, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, ऊपर से चाहे पिच की लुक अच्छी भी लग रही है, लेकिन क्योंकि अभी इसको टाइम नहीं उतना पूरा मिला सेटल डाउन होने के लिए, तो क्या एंड पे उसकी सूरत हाल क्या होती है वो कोई भी गेस नहीं कर पा रहा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एक नई चीज जरूर है आज जो कि जिस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, कि आज फर्स्ट टाइम है इस न्यूयॉर्क वाले वेन्यू पे कि सेकंड मैच होने जा रहा है एक पिच पे, तो इससे पता चलेगा कि अगर सेकंड मैच होने जा रहा है तो आया यूज्ड पिच पे बेहतर हुई है कि नहीं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ कंडीशंस को नहीं देखेगी, इंडिया की फॉर्मेशन को भी देखेगी कि वो उनके कौन से जो प्लेयर्स हैं वो इन फॉर्म है, या किस तरह की क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं इन कंडीशंस में। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान कि वो इस चीज को देखें भी, क्योंकि उनका वो बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है, उनको अपनी कॉम्बिनेशन ठीक करनी होगी। बाजित, कॉम्बिनेशन के अलावा मैं ये देखें कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाना था, उसकी वजह से ही आईसीसी ने सबको वक्ता डाल दिया, ग्राउंड बनवाया है नया, पिचेस इंपोर्ट हुई हैं, वो सेटल नहीं है वहां, लेकिन बिकॉज डिसाइडेड था कि न्यूयॉर्क में ही होना है सबसे बड़ा इवेंट, तो उस वजह से इतना कुछ आपको देखना पड़े, कभी ऐसे होता नहीं है वर्ल्ड कप में, कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि नया ही ग्राउंड हो, नई पहली दफा उधर मैचेस हों, कभी ये अनप्रेसिडेंटेड है, ओनली बिकॉज ऑफ, हमें तो पता है कि आईसीसी कितना एम्फोसिस देती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया मैच ये होने जा रहा है। अच्छा ये बताए, ऐसी पिच जो अगर ऐसी ही पिच हुई श्रीलंका वाली, ये पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के हक में नहीं है? बेहतर तो ये टीम से पूछ के बता रहे क्योंकि ऐसी पिच पे तो कुछ भी हो सकता है ना, आप बॉलर्स तो है पाकिस्तान के पास, बिल्कुल बात ये है कि उस पे आप कभी भी वो रिसोर्सेज पे तो आप बात ही नहीं कर सकते ना, ऑन अ डे कैसा होता है क्या होता है, यहाँ पे कोई भी बॉलर, एक बॉलर भी आपको पूरा मैच चेंज कर सकता है,
कोई भी आके चार से पांच आउट कर दे जैसे पिछले मैच में नोकिया ने किया, उसने बिल्कुल उड़ा के रख दी पूरी श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को। तो ऐसी पिच पे इसीलिए कहते रहे कि टीम्स का जो डिफरेंस होता है ना वो खत्म हो जाता है, फिर ऑन अ डे कोई एक प्लेयर आपको मैच बिल्कुल डिफरेंट कर सकता है। तो आई थिंक कि ये अब मुझे लगता है कि इंडिया को शायद नुकसान होगा ऐसी पिच अगर हुई तो, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि रिसोर्सेज वाइज और वैसे अगर देखें तो ऑन पेपर भी और रिकॉर्ड भी देखें तो इंडिया इज़ अ बेटर टीम पाकिस्तान से, लेकिन ऐसी अगर कंडीशन हुई तो देन पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो नर्व्स को संभालेगा अगर ऐसी कंडीशन में मैच हो, जिस जो नर्व्स को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है उसके ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, जिस टीम के प्लेयर्स जो हैं उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में कभी भी मैच वन साइडेड नहीं होता, वो थोड़ा सा चेंज होता है, फिर किसी एक टीम की तरफ जाता है, फिर दूसरी टीम की तरफ जाता है, तो जिनके पास ज़्यादा एक्सपोजर है उनके ज़्यादा चांसेस हैं, और वो एक्सपोजर ज़्यादा जो है वो आपको पता ही है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जी जी बताएं एक्सपोजर। अच्छा मैं आपके पास आऊंगी, एक्चुअली अब जो है ना हम टॉस के लिए रेडी हैं, सो इट्स ओवर टू न्यूयॉर्क, लेट्स फाइंड आउट द टू कैप्टन्स आर आउट देयर। ऑलराइट, सो इंडिया हैज वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। इस पे हम और भी जो है मजीद बात करेंगे कि किस किस्म की कॉम्बिनेशन इंडिया खिला रहा है और किस किस्म की कॉम्बिनेशन आयरलैंड खिला रहा है, बट ओनली आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड इंडिया हैव वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। ये है आयरलैंड का स्क्वाड जिसमें कि हमने डिस्कस किया था काफी ज्यादा प्लेग 11 इनफैक्ट, जो हमने कहा है कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है इनकी साइड में, जिस किस्म के सीमर्स हैं इनके पास, जिस किस्म के ओपनर्स हैं, एंड देन यू आल्सो गॉट इंडिया स्क्वाड एज वेल। आयरलैंड विल बी बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद जी इंडिया का लाइनअप दिखा दें जी, प्लेइंग 11 दिखा दें। इंडिया के प्लेइंग 11 उन्होंने ये बताया है कि दे हैव गॉन इन विद कोहली एज द ओपनिंग बैट्समैन विद रोहित शर्मा, and then they've got Pant, they've got Surya Kumar Yadav, Shivam Dubey, Hardik Pandya, Jadeja. Spinners ke mamle mein they said they went in with Jadeja and Akshar Patel, Bumrah, Arshdeep and Siraj. Acha ji, ye hai inki team, India ki team, jaise ki unhone bataya they've gone in with all these ye do spinners hain aur baki unhone inke seamers bhi hain, Hardik Pandya ka option as an extra seamer, so they've got, kya lagta hai ki the big call विराट कोहली कभी खेले नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में एज एन ओपनर, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऋषभ पंत को भी लेके आना था, दुबे को भी खिलाना था नीचे, तो अग्रेसिव गए हैं नीचे के, अग्रेसिव बैट्समैन जो वो लेके आए हैं वहाँ से, उनको मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में उनको खिलाया और ऊपर से कंट्रोल करेंगे इनिंग को, ऑब्वियसली इनके कप्तान और विराट कोहली। सो लेट्स सी, चेंज है थोड़ा सा इंडिया की टीम में, बॉलिंग ओके, दैट्स अ गुड बॉलिंग साइड इस कंडीशन में, अगर चार फास्ट बॉलर उनके पास, तीन प्रॉपर सीमर्स है, हार्दिक पांड्या भी जिस तरह के अब बॉलर हैं प्रॉपर फास्ट बॉलिंग, वो ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, फिर दो उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं शायद इस कंडीशन को देखते हुए, साथ वो बैटिंग भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें, वो जो कई दफ़ा इनकी टेल बहुत लंबी हो जाती थी बॉलर्स की वजह से, आठ तक एटलीस्ट उनके पास अब बैटिंग है कंडीशन को देखते हुए, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नंबर आठ पे अक्षर पटेल खेलेंगे। आई थिंक इट्स अ वेल बैलेंस्ड साइड एंड नाउ लेट्स सी हाउ इन कंडीशंस में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और इनके जो कपल ऑफ न्यू प्लेयर्स वो कैसे खेलते हैं। जी क्या कहेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के मामले में कि they've gone, they're not playing कुलदीप, they're playing अक्षर पटेल एंड जडेजा। उसमें एक चीज है कि जो रिस्ट स्पिनर है उसको ज़रा थोड़ी सी फ्लाइटेड जो है वो बॉल करनी पड़ती है, और इन कंडीशंस में वो इतने सूटेबल नहीं है जो रिस्ट स्पिनर्स हैं, एक ये एलिमेंट है, और दूसरा ये है कि उन्होंने कंडीशंस ऐसी हैं कि इजी नहीं है रन्स बनाना, तो उन्होंने एक जो साथ में बैटिंग भी कर सकते हैं अक्षर पटेल, उनको उन्होंने जो है साइड में रखा है कि अगर थोड़ी सी विकटें चली भी जाएं, स्टिल दे हैव डीप बैटिंग जो कि अक्षर पटेल को वो लेके आए हैं, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो इस पर्टिकुलर वेन्यू के हिसाब से उन्होंने खिलाया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आपने सुन लिया।